स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में 78 सीटों के लिए मतदान हुए पूरे। बिहार में वोटिंग के बीच संजय रावत का नीतीश कुमार पर हमला। महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिए प्रेशर कुकर जैसे हालात। कोरोना के कंट्रोल के बाद सीए कानून पर होगा अमल, अमित शाह का ऐलान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के आखिरी चरण में 78 सीटों के लिए मतदान हुए पूरे। बिहार में आखिरी चरण के चुनाव के लिए 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। आखिरी चरण में 1204 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिसमें 1094 पुरुष और 110 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। लोगों ने बड़े ही उत्साह से इस मतदान में हिस्सा लिया। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायतें भी मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 243 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान किए गए, जिसके तहत 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए, 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए और आज यानी 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए सारे राज्य में चुनाव संपूर्ण हुए। लोगों ने इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, जिसके बाद पता चल पाएगा कि 15 साल की नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को तेजस्वी के महागठबंधन ने टक्कर देकर पलट दिया या बिहार में नए गठबंधन का कोई असर नहीं हुआ। ये 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। बिहार में वोटिंग के बीच संजय रावत का नीतीश कुमार पर हमला। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के बीच शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रावत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें इस चुनाव में उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आगे आएंगे, बिहार में परिवर्तन की आस है, और कहा कि हमें अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को सम्मान के साथ आखिरी विदाई देनी चाहिए, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, इस चुनाव में जनता को उन्हें विदाई देनी चाहिए, कहा संजय रावत ने। हम आपको बता दें कि इस चुनाव में नीतीश कुमार ने जनता से वोट की अपील करते हुए कहा था कि उन्हें आखिरी मौका दें, क्योंकि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। इस बात पर तंज करते हुए संजय रावत ने ये बयान दिया है, अब जनता के मन में क्या है ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। जनता सुशासन बाबू नीतीश कुमार को विदा करती है या सत्ता परिवर्तन करके तेजस्वी को मौका देती है, देखते हैं। महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिए प्रेशर कुकर जैसे हालात। पीडीपी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की आवाज़ को दबाकर जम्मू कश्मीर में एक प्रेशर कुकर जैसे हालात बनाए गए हैं। एक समय आएगा जब लोगों से हाथ जोड़कर पूछेगा कि वो राज्य की विशेष दर्जे की बहाली के अलावा और क्या चाहते हैं। केंद्र ने लोगों की आवाज़ को दबा दिया है और उन्हें बात करने की इजाज़त भी नहीं दे रहा है। ये एक प्रेशर कुकर की तरह है, लेकिन जब प्रेशर कुकर में स्पोर्ट होता है तो पूरा घर को जला देता है, कहा महबूबा मुफ्ती ने। ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा कहे जाने वाले कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने के बाद तकरीबन एक साल की कैद झेल चुके नेता अब अपने बयानों से कश्मीर का माहौल फिर से गर्माने में लगे हुए हैं। इसकी कड़ी में
फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी धारा 370 को वापस बहाल करने की मांग कर चुके हैं। अब लगता है कि राजनीति के इस खेल में कश्मीर की जनता फिर से उलझ कर रह जाएगी। अब देश के लोग कामना कर रहे हैं कि ना ही कश्मीर में ससुराल और ना ही वहां मकान चाहिए। कश्मीर से कोई फौजी का शरीर तिरंगे में लिपट कर ना आए, अब हमें तो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। कोरोना के कंट्रोल के बाद सीए कानून पर होगा अमल, अमित शाह का ऐलान। सीए का जिन फिर से बोतल के बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कल वेस्ट बंगाल के दौरे पर हैं। इस मौके पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि तमाम रेफ्यूजियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, बस कोरोना के कंट्रोल होने का इंतजार है, कहा अमित शाह ने। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सीए के तहत भारत में पहली बार मजहब की बुनियाद पर भारत में नागरिकता का कानून बना है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और ईसाई रेफ्यूजियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जब जब चुनाव आते हैं ऐसे डायलॉग्स नेता जनता से कहते हैं, मगर पिछले दिनों पाकिस्तान से आए कई परिवार इन नेताओं की बेरुखी के चलते वापस फिर से पाकिस्तान लौट गए। देश में इतनी समस्याएं हैं कि यहां के नागरिक ही बेरोजगार हैं। अब पता नहीं बाहर के लोगों को लाकर ये नेता कौन सा देश का भला करने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस न्यूज को शेयर करें।